सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनाइजर्स ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बिहाफ पर खुश आमदेद कहता हूँ। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة صدق الله العظيم پرچم ستاروں ہلا अब मैं दावत दूंगा जनाब असर मलिक साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और आज की इस महफिल में आपको ऑफिशियली खुशामदीद कहें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ पुट योर हैंड टुगेदर एंड वेलकम इन मिस्टर असर मलिक। थैंक यू एवरीवन, रिस्पेक्टेड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर कन्वेंशन में जमा हुए हैं। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी साहब डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब पाकिस्तान से स्पेशल हमारे लिए तशरीफ़ लाए और साबिक सदर सैयद परवेज़ मुशर्रफ साहब के इंटरनेशनल तर्जमान डॉक्टर रज़ा बुखारी साहब यूएसए से ख़ास तौर पर इस शमूलियत के लिए आए। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एपीएमएल कनाडा, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी मौजूदगी हमारे लिए बायस फ़ख्र है। हमारे कायद जनाब सैयद परवेज़ मुशर्रफ साहब आज हमारे साथ इस कन्वेंशन में टेलीफोन के ज़रिए ख़िताब करेंगे और मौजूदा सूरत हाल पर आपको अपडेट देंगे। जनाबे वाला, हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ना बिजली, ना गैस, ना पेट्रोल, ना तलीम हासिल करने से बच्चे कासिर हैं। आज हुकूमत नाम की कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। इस मायूसी के दौर में आम पाकिस्तानी की नज़रें जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के सुनहरी दौर पर जाती हैं। आपकी उन इस्लाहात को नज़रअंदाज करने वाले, उन पर किरदार कशी करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं के दौर के फ़ैसलों को सराहा जा रहा है। मैं अपने कायद साबिक आर्मी चीफ, साबिक सदर पाकिस्तान, रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का उस सुनहरी दौर में उसने पाकिस्तान को माली, दफाई, मुवासलाती, तलीमी और से मजबूत ही नहीं किया बल्कि दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में लाकर खड़ा कर दिया। जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब मंशूर और उनके माटो को हम पाकिस्तान नहीं होने के नाते उसको सलूट करते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान। मैं उनकी काविशों को मद्देनज़र रखते हुए कनाडा में मुकीम मुहब्बे वतन तक उनका पैगाम पहचाना चाहता हूँ। आखिर में मेरी अपनी पूरी टीम एपीएमएल कनाडा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मैं उनका इंट्रोडक्शन कराते हुए उनके नाम लेता हूं और उनको कहूंगा कि प्लीज़ कम अप द स्टेज। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर शहजाद शाह साहब, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ एपीएमएल कनाडा एंड फाउंडर मेंबर ऑफ एपीएमएल कनाडा। थैंक यू शहजाद साहब। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस कर्नल शेर अली बाज साहब, चीफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन चार्ज ऑफ पीएम साहब एंड प्रेसिडेंट ऑफ मिडल ईस्ट एपीएमएल, फॉर्मर प्रेसिडेंट एक्चुअली।
मिस्टर जीशान साहब एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर मोहम्मद जिया साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर हामिद लतीफ भट्टी साहब मीडिया एंड पब्लिक रिलेशन कोऑर्डिनेटर, ही इज नॉट हियर एंड विद अस, ही इज नॉट फीलिंग वेल, आई रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन टू प्रे हिज रिकवरी। शहजार शराज शाह साहिब जनरल सेक्रेटरी ऑफ APML, मिस सीमा सदीकी साहबा सीनियर मीडिया कोऑर्डिनेटर, मिस्टर सुल्तान खान साहब प्रेसिडेंट ऑफ GTA ईस्ट, नजमा अख्तर साहबा प्रेसिडेंट वुमेन्स विंग्स GTA ईस्ट, कामरान खान साहब प्रेसिडेंट GTA वेस्ट, आर्यान अख्तर साहब प्रेसिडेंट ऑफ यूथ विंग। आई रिक्वेस्ट शहजाद शाह साहिब टू प्लीज प्रेजेंट द प्लेक टू आवर चीफ गेस्ट एंड ऑनरेबल गेस्ट देयर ग्रेट सर्विसेज फॉर APML। Thank you very much, ladies and gentlemen. Now you have been introduced to all those faces who are playing a role on the scene, behind the scene, and it's indeed an honor to meet all of them. At this juncture, I hope that you have read this a little booklet, it's a brochure, which reflects on some of the achievements during 9 years of Pervez Musharraf, General Retired Pervez Musharraf, as a President of Pakistan. It's very interesting. For 9 years, Pakistani rupees stood strong against the world currencies at 60 rupees. Pakistan was out of the poverty level in the World Bank, IMF, with top credit rating. Leadership, regardless, makes the difference. Ladies and gentlemen, I would like to invite our first keynote speaker, Secretary General of APML. Dr. Mohammad Amjad is a successful business entrepreneur, a well-known social worker, former federal minister, and prominent politician, recognized both at the national and international level. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Secretary General Janab Dr. Chaudhary Sahab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. मैं आज की इस खूबसूरत तकरीब मुनक्कद करने पर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कैनेडा के सदर असर मलिक साहब, जनरल सेक्रेटरी शिराज शाह साहब, हमारे एडवाइज़र्स कर्नल शेर साहब और शहजाद शाह साहब और उनके तमाम
टीम जिन्होंने अपनी अंतक मेहनत से इस तकरीब को सजाया, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से और पार्टी की सीनियर कयादत की तरफ से। APML कनाडा की जो टीम, अभी कुछ ही महीने हुए इसकी रीऑर्गेनाइजेशन की गई और अभी स्टिल दैट इज़ इन प्रोसेस। अभी बहुत सारी पोजीशंस पे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे लोगों को अभी नामज़द करना है, तो इंशाल्लाह इस टूर में APML कनाडा की प्रेजेंट टीम के साथ बैठकर हम इस टास्क को मुकम्मल करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, जिनको तारकीन वतन कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप दूसरे मुल्कों में रहते हुए भी, कनाडा में रहते हुए या अमेरिका में रहते हुए भी, आपके दिल अपने पाकिस्तानी भाई बहनों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान में कोई भी तब्दीली हो, कोई भी मुश्किल का वक्त हो या खुशी का लम्हा हो, आप लोग उसमें बराबर शरीक होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि हर यहाँ पे रहने वाला, चाहे वो कैनेडियन सिटीज़न है, लेकिन उसका कोई ना कोई रिलेटिव या फ्रेंड पाकिस्तान में उसके साथ ज़रूर लिंक है। तो इसीलिए हमने न सिर्फ कनाडा बल्कि अमेरिका, UAE, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, सऊदीया, ऑस्ट्रेलिया और अभी यूरोप, इन मुल्कों में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ओवरसीज़ चैप्टर जो है वो एस्टेब्लिश किए हैं। और मकसद ये है कि हम अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र, अपने कायद सैयद परवेज़ मुशर्रफ के विजन को और अपनी पार्टी की कारकर्दगी तो को इन मुल्कों में अपनी पार्टी अहदेदारों के ज़रिए लोगों तक पहुंचा सके और पाकिस्तान की तरक्की, अवाम की बेहतरी में, फलाह बहबूद में जो भी किरदार आप लोग अदा कर सकते हैं, ज़रूर उसका हिस्सा बने। मैं सबसे पहले 16 दिसंबर 2014 जो कि एक हमारे मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था, जिस दिन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में आकर हमारे मासूम बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद किया और 150 से ज़्यादा बच्चों को शहीद कर दिया। मैं समझता हूँ कि इस वाक़े की जिस कदर भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि ऐसा वाक़या दुनिया तारीख में नहीं मिलता, जहाँ पे मासूम बच्चे, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनकी कोई गलती नहीं है, जो अपने घर से इल्म हासिल करने के लिए निकले, जिनका मकसद ये था कि वो तालीम हासिल करें, बड़े और उस मुल्क की बागडोर को संभालें, उन लोगों को, उन बच्चों को, नहाते बच्चों के ऊपर किस कदर जुल्म किया गया। और यहाँ तक कि एक हमारी बहन टीचर थी, चूँकि वो एक आर्मी ऑफिसर की बीवी थी, उसको ज़िंदा जला दिया गया। मैं समझता हूँ इस पर जिस कदर भी मुमकिन हो हमें मजम्मत करनी चाहिए और ये करारदाद पेश पास करनी चाहिए आप लोगों की तरफ से भी, कि ऐसे वैश्य दरिंदों का बिल्कुल सफाया कर देना चाहिए, उनकी रूट्स को ख़त्म कर देना चाहिए, उनको स्पॉन्सर करने वाले वो ममालिक, वो ऑर्गेनाइजेशन और जो पैसा देने वाले हैं, वहाँ से उनका ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बग़ैर हम दहशतगर्दी ख़त्म नहीं कर सकते। और एक बात अच्छी ये भी है कि पहली दफ़ा हमारे मुल्क में हुकूमत, सियासी पार्टियाँ और अफवाज पाकिस्तान एक पेज पर इकट्ठे हुए हैं और सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि इन दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के आईन में तरमीम की और मिलिट्री कोर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है, ताकि स्पीडी ट्रायल के तहत इन लोगों को सज़ा दे सकें। आप जानते हैं कि हमारी अदालतों का निज़ाम क्या है, कि वहाँ पर कोई भी मुकदमा पेश कर दिया जाए, साल हर साल तक उसका फ़ैसला ही नहीं होता, और अगर एक अदालत से हो जाता है तो उससे बड़ी अदालत में
अपील चली जाती है। और जहाँ तक दहशतगर्दों की बात है तो इनके मुकदमात तो सुनते हुए वैसे ही हमारे जज साहबान घबराते हैं। आपको याद होगा जब लाल मस्जिद का वाक़या हुआ था तो लाल मस्जिद में जिन लोगों को अरेस्ट किया था उन लोगों को जेल भेजा गया कि उनकी स्क्रूटनी की जाए, चेक किया जाए कि उनका ताल्लुक कहाँ से है। लेकिन उस चेक करने से पहले ही हमारे चीफ जस्टिस साहब का चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तखार साहब ने उनको रहा कर दिया कि आप इनको आज़ाद कर दें। और शायद आपके ये इलम में भी हो कि उन्हीं दहशतगर्दों को जिनको रहा किया गया था उनमें से बेशतर लोगों ने वापस आकर न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था कि ये मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाए ताकि वो जज जो डरते हैं, वो वकला जो डरते हैं कि फ़ैसला नहीं कर पाते और जो एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते फैसले की, तो मिलिट्री कोर्ट्स उसके लिए सबसे बेहतर फोरम है। एक बात मुझे बड़ा अपने ऊपर भी अपने मुल्क पे, और मैं आपको तो नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी जो भी पाकिस्तानी है आप ज़रा गौर करें कि फ्रांस में 17 लोग जिनको कत्ल किया गया और आपको पता है कि उनका कसूर भी था। मैं ये नहीं कहता कि उनको कत्ल कर दिया जाए लेकिन कोई रीज़न भी थी कि उन्होंने हजूर पाक सल्लम की शान में गुस्ताखी की, खाके तैयार किए, मैगज़ीन में छापे और उन पर हमला हुआ। 40 ममालिक के 40 कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट फ्रांस में इकट्ठे हो गए, लाखों दुनिया सड़कों पर निकल आई। किस लिए? उन 17 आदमियों के अफसोस में या प्रोटेस्ट में कि इनके ऊपर क्यों हुआ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे 150 बच्चे, इनोसेंट चिल्ड्रन, उनको शहीद कर दिया गया, ज़िंदा जला दिया गया लोगों को, लेकिन दुनिया को इस पर तो कोई तरस नहीं आया। कौन से ममालिक इकट्ठे हुए, किस मुल्क में एहतजाज हुआ, किस मुल्क में लोग सड़कों पे निकले? क्या कनाडा में सड़कों पे लोग निकले? क्या अमेरिका में निकले? क्या पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर निकले? नहीं। ज़रूर लोगों के दिलों में अफसोस है लेकिन पता नहीं हमारी कौम या हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, हमें भी सोचना चाहिए। और ये ममालिक जो पैसा देते हैं हमारे दहशतगर्दों को, ये एजेंसीज जो उनकी पुष्पनाई करती हैं और फिर हमारे पास आकर उनका अफसोस करते हैं, अब क्या इनके बारे में हम कहें? तो खुद ही इन लोगों को सोचना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद की बात करनी चाहिए, अपने पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। हमारे कायद बिल्कुल सही कहते हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान का सोचे, अपने मुल्क का सोचे, अपनी कौम का सोचे। हमें दूसरों का नहीं सोचना चाहिए कि इस वक्त बड़ी ताकतें क्या कहती हैं, इस्लामी ममालिक क्या कहते हैं। अगर आपको याद हो कि हमारे कायद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए तहरीक चलाई, अलामा मोहम्मद इकबाल जिन्होंने नज़रिया पाकिस्तान पेश किया कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन होना चाहिए, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने अनथक मेहनत की पाकिस्तान बनाने में, और जब पाकिस्तान बना तो कितनी माओं की गोद उजड़ गई, कितनी औरतों के सुहाग चले गए, कितने लोग बच्चे उसमें शहीद हुए। क्या ये सारी कुर्बानियां हमने इसलिए दी थी कि हम ज़मीन का एक टुकड़ा ले लें, हम मुसलमानों के लिए एक अलग ज़मीन का टुकड़ा ले लें? नहीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि मुझे वो पाकिस्तान बनाना है जिसमें एक सही इस्लामी फलाही मुआशरा, सही इस्लामी फलाही मुमलिकत का क़याम अमल में आ सके। ऐसा मुल्क मैंने बनाना है जहाँ पर औरतों के हकूक़ का तहफ़ हो, जहाँ पर अकलियतों को बराबरी के हकूक़ मिले, जहाँ कानून की बालादस्ती हो, जहाँ आवाम की हुक्मरानी हो, लोगों का इज़्ज़त नफ्स महफूज हो। लेकिन अफसोस कि हमारे जो सियासी हुक्मरान रहे हैं उन्होंने इन बातों पर
खातिर का अमल नहीं किया। लेकिन अगर आप परवेज मुशर्रफ साहब के 8 साला दौर को देखें तो पहले 3 साला दौर सुनहरी दौर था, उसके बाद 5 साला जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनी उसमें भी बेशुमार तरक्की हुई। अगर आप इन तमाम जो कायदे आजम का विजन था औरतों के हकूक के लिए बिल पास किए गए, अकलियतों के हकूक उनको दोहरे वोट का हक दिया, उनके मिशनरी अदारे वापस किए, अवाम की हुक्मरानी के लिए बल्दियाती निज़ाम लेके आए लोकल बॉडीज़ का, और उनके ज़माने में कहीं किसी कोर्ट के फैसलों में मुदाखलत नहीं की गई, कानून की बालादस्ती को इंश्योर किया गया। लेकिन इस्लामी फलाही मुमलिकत यानी लोग जहां खुशहाल हों, लोग खुश हों, खुशहाल हों, उनको रोज़गार मिले, महंगाई ना हो, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें ले सकें। लेकिन उन 8 सालों के बाद आप मुआवजना करें इन पिछले 6 सालों में, जिसमें 5 साल तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अभी 1.5-2 साल से जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो इस दौर में क्या हुआ? इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, लाकानूनियत, अगवा, चोरी, डाके, मईशत तबाह कर दी गई, बेरोज़गारी, जितनी इन्वेस्टमेंट परवेज मुशर्रफ के दौर में वो बाहर से लेके आए थे वो सारी वापस चली गई। लोकल जो इन्वेस्टर थे उन्होंने भी अपना पैसा निकाल कर दुबई में और दूसरे मुल्कों में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, आपको बिजली चाहिए, गैस चाहिए, पेट्रोल चाहिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना अपने लिए, ना अपने घर के लिए, ना अपने मुल्क के लिए। इनके दौर में ये तीनों चीज़ें नापायद हो गई। आप मुझे बताएं कि वो दौर था जब IMF ने आखिरी कर्जे की किस्त दी तो परवेज मुशर्रफ साहब ने, उनकी हुकूमत ने उन्हें कहा भाई ये आप वापस ले जाएं, हमें नहीं चाहिए। और एक ये दौर है कि बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर के कर्जे इस हुकूमत ने लिए, पहले PPP ने लिए, अब नवाज शरीफ की हुकूमत तो उससे कई गुना बढ़ गई है। पाकिस्तान का हर बच्चा कर्ज के बोझ तले दब गया है, और ना तालीम की सहूलत है, ना सेहत की सहूलत है। इन 6 सालों में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना, कोई एजुकेशन में तरक्की नहीं हुई, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, जबकि परवेज मुशर्रफ के दौर में उन्होंने पूरी दुनिया के साथ एक मुआहदा किया था, 10 मुल्कों के साथ मुआहदा किया था कि आप जिस तरह आपकी अगर अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, कनाडा में है, जर्मनी में है, जापान में है, आप बिल्कुल वैसी ही यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में बनाएंगे, वही आपका सिलेबस होगा, उसी तरह आप अपने पेपर्स चेक करेंगे, रिजल्ट आएगा, और पाकिस्तान में बैठकर हमारे बच्चे वो डिग्री हासिल करेंगे जो अमेरिका आके पढ़ के हासिल करते हैं। ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में इन यूनिवर्सिटियों के क़याम के लिए एफर्ट की गई। लेकिन उसके बाद जो हुकूमत आई उन्होंने तमाम निज़ाम को मुअत्तल कर दिया। बाहर की यूनिवर्सिटियां तो दरकरार, अपनी यूनिवर्सिटी भी नहीं बना सके। उसके बाद अब लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि यार परवेज मुशर्रफ साहब का ही वो दौर था जो खुशहाली का दौर था, जिसमें अमन था, जिसमें मईशत मजबूत थी, लोगों को रोज़गार मिल रहा था, बाहर से पैसा आ रहा था, इंडस्ट्री लग रही थी, प्रोडक्शन हो रही थी, चीज़ों की कीमतें कम हो रही थी। लेकिन हर चीज़ उलट हो गई। अब लोग सोचते हैं कि इस दौर से वो लोग जो कहते थे परवेज मुशर्रफ तो डिक्टेटर है, सिर्फ उसकी वर्दी को देख के कहते थे, उसके काम को देख के नहीं कहते थे। डिक्टेटरशिप वर्दी से नहीं होती, आपके एक्शन से होती है, आपके फैसलों से होती है। और वो सब लोग कहते हैं वो परवेज मुशर्रफ का दौर अच्छा था, उसी दौर को वापस आना चाहिए। पाकिस्तान में कहीं आप चले जाएं, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करें, आप विज़िट करें, हर गली और कूचे में आपको बंदा नज़र आएगा, और ख़ास तौर पर गरीब आदमी नज़र आएगा, वो कहेगा हमें वही दौर चाहिए। उस ज़माने में लोग कहते थे परवेज मुशर्रफ साहब ने चौधरी इफ्तखार को, चौधरी इफ्तखार साहब को गलत उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया। अब हर आदमी कहता है कि इफ्तखार साहब को
सही हटाया गया, उसको हटा देना चाहिए था, उसने सारा जुडिशरी निज़ाम तबाह कर दिया। लोग कहते थे कि लाल मस्जिद का ऑपरेशन उन्होंने गलत किया, अब सब लोग कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने ऑपरेशन सही किया था, मौलाना अब्दुल अजीज इज टेररिस्ट, उसके खिलाफ सिविल सोसाइटी ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके वारंट इशू हुए और इंशाल्लाह मिलिट्री कोर्ट्स में उसको फिर सजा भी मिलेगी। वो परवेज मुशर्रफ के जितने भी नेगेटिव पॉइंट आप लोग प्रोपेगेट कर रहे थे वो सब पॉजिटिव पॉइंट है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस वक्त तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस अवाम परवेज मुशर्रफ की तरफ देख रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर पगाड़ा साहब की जमात है, PMLN के खोसा साहब और बहुत सारे इस्लामी ग्रुप ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू परवेज मुशर्रफ। वो ये चाहते हैं कि तमाम जमातें इकट्ठी हों, एक यूनाइटेड मुस्लिम लीग बने और उसको परवेज मुशर्रफ साहब हेड करें, और यही एक हल है, यही एक हल है तीसरी कुव्वत का, कि परवेज मुशर्रफ साहब की सूरत में एक तीसरी कुव्वत आएगी जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पर हुक्मरानी करेगी, और फिर वो खुशहाली का दौर आएगा, फिर पाकिस्तानियों के लिए एक तरक्की का दौर आएगा। तो मैं इन तमाम बातों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और एक दफ़ा फिर अपने उन साथियों का जिन्होंने आज की इस खूबसूरत तकरीब को मुनक्कद किया उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ। और अभी कुछ लम्हों में हमारे कायद परवेज मुशर्रफ साहब खिताब करने वाले हैं, तो मैं आपके और अपने कायद के बीच में और ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का और हमें वक्त देने का और हमारी बातें सुनने का, बहुत शुक्रिया। मौजूद ख़वातीन हज़रात, इंशाअल्लाह चंद लम्हों में हमारा राबता कायम हो रहा है। आज के हमारे मैं कहूँगा वो भी कीनोट स्पीकर के हैसियत से शिरकत कर रहे हैं हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, उनसे राबता हमारा कायम हो रहा है, और इंशाअल्लाह जैसे ही ये कनेक्शन हमें कायम हो जाएगा उनके साथ, देन वी गोना लिसन टू हिम, हम उनको सुनेंगे उनके क्या ख्यालात हैं इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर, और क्या विजनरी आइडियाज़ हैं उनके जो वो पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। आई थिंक हिज एम्बिशन इज़ टू सी पाकिस्तान सक्सेसफुल, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अमन शांति का गहवारा हो पाकिस्तान, ये है परवेज मुशर्रफ का ख्याल सबसे पहले पाकिस्तान। परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। जनाबे सदर पाकिस्तान, फॉर्मर प्रेसिडेंट, हम आपको खुशामदेद कहते हैं सदर साहब। आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद तशरीफ फरमा है और वो आपके उन ख्यालात को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का विज़न क्या है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। जी जी सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तमाम लोग जो कैनेडा से, खासतौर पर टोरंटो में शहजाद साहब, जीशान साहब, डॉक्टर राधा शाह बैठे होंगे और भी जिनके मैं नाम नहीं ले सक रहा हूं, आप सब लोगों को खुश आमदेद। इट इज इंडीड माय वेरी प्राउड प्रिविलेज टू बी टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, सच अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ कैनेडा, ऑफ पाकिस्तानी इन कैनेडा। यू डू मी एन ऑनर विद योर प्रेजेंस। मुझे फख्र है कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं इतने बड़े गैदरिंग से एड्रेस कर रहा हूं पाकिस्तान के ऊपर। मुझे जाहिर है आप लोगों को पाकिस्तान के बारे में तशवीश होगी, तो जाहिर है मैं आपसे पाकिस्तान ही की बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान की सूरत हाल जो आप सब लोगों को पता ही होगा अभी क्या है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है उससे पहले
मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में, आपके मुल्क में, आपके पाकिस्तान में, मैं पूरे यकीन से आपको कहना चाह रहा हूं एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे कि हमारे पास तमाम वसाइल हैं, हमारे पास पूरी सलाहियत है कि हम इस पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़े होकर इसको तरक्की की राह पर गामजन कर सके। और इसमें, इस स्टेटमेंट में, मैं ये स्टेटमेंट सिर्फ आपके सुनने के लिए नहीं कह रहा हूं कि हम सब पाकिस्तानी और ये कहकर खुश हो जाए कि हमारी सलाहियत है, हमारी पोटेंशियल है, हमारी रिसोर्सेज है, नहीं, मैं ये अपने 9 साल एक्सपीरियंस के बिना पे ये कह रहा हूं, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दे रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे याद है 99 में, मेमोरीज आर शॉर्ट, आपको भी याद होगा कि हमें एक पाकिस्तान मिला था, कहा जा रहा था, उसको हमने 6 साल में उसी पाकिस्तान को, उसी आपके पाकिस्तान को इस फेल्ड और डिफॉल्टेड स्टेट से निकाल के, कि हमारे पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं था, ये आपके पाकिस्तान का पोटेंशियल था, हमारे रिसोर्सेज थे, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इस मुल्क में पूरा पोटेंशियल है। अब सूरत हाल उन 8 साल जो हमने गवर्नेंस की, इसमें हर एलिमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, यानी आवाम की खुशहाली, मुल्क की तरक्की, इतनी छोटी सी बात है जो हर लीडर और हुकूमत का फर्ज बनता है कि आवाम को खुशहाली दे, और आवाम को खुशहाली से मकसद उनको नौकरियां मिले, उनकी गुर्बत दूर हो, उनको तालीम मिले, और उनकी सेहत का बंदोबस्त बेहतर हो। ये 4 एलिमेंट, चारों में अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें तरक्की मिली और पाकिस्तान ऊपर की तरफ जा रहा था। आवाम की खुशहाली के अलावा मुल्क की तरक्की, मुल्क की तरक्की में को अगर आपने परखना है, एनालाइज करना है, तो सबसे पहले उसकी इकोनॉमी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं किया सिर्फ, बल्कि उसको बेपनाह तरक्की दी। हमने IMF के लोन से छुटकारा पाया और हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बहुत इजाफा हुआ, यानी सिर्फ $400 मिलियन से $16.5 बिलियन पे पहुंचे। हमारी FDI में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ $500 मिलियन से $8.4 बिलियन पे पहुंचे। हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ 6 गुना, 6.5 गुना, $1 बिलियन से $6.5 बिलियन पे पहुंचे। तो तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत पॉजिटिव हुए। फिर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ले लें, उसमें चाहे सड़कें हों, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवे, तमाम में तरक्की हुई। उसके बाद उसकी एग्रीकल्चर को ले लें, लाइफ स्टॉक, डेयरी, डेयरी में एक वाइट रेवोल्यूशन ला रहे थे हम, और हो रहा था अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान में। और उसके बाद अगर आप इंडस्ट्रीज को ले लें, इंडस्ट्रियल बूम आई हुई थी पाकिस्तान में। आप वाटर मैनेजमेंट को ले लें, हमने 3 डैम बनाए, मिरानी, सुबुकजई, गोमलजम डैम। मंगला डैम को हमने 30 फीट रेज किया, उसकी वजह से 90 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनी और 3 मिलियन एकड़ फीट पानी, 2.9 टू बी एग्जैक्ट, जो आधा है तरबेला डैम, उतना पानी में इजाफा हुआ।
फिर आप आगे आ जाएं टेलीकम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यहां तक के कल्चर एंड हेरिटेज तक में, उसमें तरक्की हमें मिली। रेवेन्यू कलेक्शन हमारी सिर्फ 2.3.4 बिलियन रुपीज से 1 ट्रिलियन क्रॉस किया। हमारी पर कैपिटा इनकम 300 रुपए से अब $300 से कहीं $1,000 पे क्रॉस कर गई। तो ये सारी फिगर जो है मैं आपको बताना जा रहा था, ये सारी चीजों में तरक्की हमें उन 5-6 सालों में हुई। अब नाउ हैविंग लेफ्ट अ कंट्री विच वॉज ऑन द राइज इन ऑल aspects ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड डिवेलपमेंट प्रोग्रेस डिवेलपमेंट ऑफ द स्टेट, हर शोबे में उसमें तरक्की से हमने छोड़ा मुल्क को कि तरक्की हो रही थी। लेकिन जब मैं कहा गया 2008 में, मैंने रिजाइन किया, नई हुकूमत आई, उस वक्त मैंने बिल्कुल बगैर पहले सोचा नहीं था मैंने, लेकिन मैंने अपनी तकरीर को रेजिग्नेशन के एंड किया था, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज, क्योंकि मुझे मालूम था वो लोग जो 3 दफा टेस्टेड एंड फेल्ड वो दोबारा आ रहे हैं गवर्नेंस करने। सिलाइयत नहीं है, नियतें साफ नहीं है, तो मुझे मालूम था कि ये पाकिस्तान बदकिस्मती से फिर उसी बुरी बदतरीन हालत में जाएगा जो पहले था। इसलिए मैंने ये कहा था पाकिस्तान का खुदाई हाफिज, और इन 6 सालों में मैंने जो ये कहा था पाकिस्तान का खुदाई हाफिज वो बिल्कुल इन दोनों हुकूमतों ने प्रूव कर दिया। जो भी पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे अवाम के और मुल्क की तरक्की, अवाम की खुशहाली, मुल्क की तरक्की, वो तमाम तमाम एस्पेक्ट्स एक एक जो मैंने गिनवाए हैं वो इस वक्त अगर देखें वो तमाम नीचे की तरफ जा रहे हैं। कोई तरक्की शोभा तरक्कियाती मंसूबा कोई भी एक नाम का नहीं लगा है और ना लग रहा है, जबकि मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जबकि बदकिस्मती से अगर सिर्फ डॉलर्स में बात करूं, रुपीज को छोड़ दो, उसके जो लॉसेस हमें हुई हैं और उसमें जो हमारे डेट बढ़े हैं उसको छोड़ दें, डॉलर्स में हमारी डेट 36 बिलियन हमने छोड़ा था, अब 75 टच कर रही है, इस्तेमाल हो रहे हैं, इंक्रीज कर दिया ये डेट को, और हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $10 अरब गिर गई है। इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान ने इन पिछले 6 सालों में $50 बिलियन हैव बीन कंज्यूम्ड, यूज्ड, गॉन डाउन द ड्रेन, बिकॉज कोई मंसूबा नहीं लगा। कोई मुझे आप जो बैठे नहीं आप सोचे पाकिस्तान में एक मुझे बता दें कि ये एक मल्टी बिलियन डॉलर या मल्टी बिलियन रुपीस का कोई मंसूबा आप नाम बता दें 6 सालों। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं ये पाकिस्तान हमारा लुट गया है, $50 बिलियन गॉन, लुट गए और कुछ नहीं हासिल। ये सूरत हाल अब है, बद से बदतरीन, आम के पास बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, और अब पेट्रोल भी नहीं। तो ये है हमारी कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान की। अब सवाल ये पैदा होता है, आई विल नाउ कम टू द फ्यूचर, बात ये है कि ये सूरत हाल है और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज भी हैं और पाकिस्तान के पास पोटेंशियल भी है। तो ये इशू क्या है, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम? Problem is nothing other than misgovernance, mismanagement at the highest level. Mismanagement, misgovernance, corruption, nepotism flowing from the top and going downwards. Unfortunately,
इसकी वजह से पाकिस्तान इस सूरत हाल पे है जो मैंने बताया। अब करना क्या है, यह हकीकत है। एक साइड पे एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, आई एम अ बॉर्न ऑप्टिमिस्ट, मैं जानता हूं कि अगर इसमें हम तब्दीली ले आए, इस वक्त हुकूमत में बेहतर हुकूमत आ जाए, तो मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान फिर आसमान की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर हमने तब्दीली नहीं लाए हम और नहीं ला सके, तो पेसिमिस्टिक व्यू, हम नीचे चलते चले जाएंगे और मालूम नहीं कहां हम पहुंच जाएंगे, बद से बदतर। और पाकिस्तान इज एंडेंजर्ड, पाकिस्तान इटसेल्फ, हमारी यकजहती, हमारी सालमियत इस पर खतरे में है। तो ऑल दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि इस पर टाइम है कि हम वी पुल आर एक्ट टुगेदर एंड वी ब्रिंग अबाउट अ चेंज। अब चेंज क्या है, ये मैं बात करना चाहता हूं आपसे। परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान को बचाना है, परवेज मुशर्रफ बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, परवेज मुशर्रफ बचाना है, सबसे पहले पाकिस्तान। सही बात है, बिल्कुल, सबसे पहले पाकिस्तान। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ दूसरे जो गवर्नेंस कर रहे हैं वो सबसे पहले पाकिस्तान में नहीं बिलीव करते हैं, वो सबसे पहले हम, मैं खुद, सबसे पहले मेरी पार्टी, मैं खुद। तो ये जब करेंगे तो फिर पाकिस्तान जाहिर है कहां जाएगा, ऐसे ही होगा जैसे जो हो रहा है। अब हमें क्वाइट क्लियरली रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं बता देता हूं। कौन वो रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा वो आप लोग खुद भी समझते हैं। रिक्वायरमेंट इस वक्त इस बात की है कि हुकूमत में तब्दीली आए। देयर इज नो डाउट इन माय माइंड, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन देन टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन गवर्नमेंट। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं ना किसी पार्टी के खिलाफ हूं ना किसी के, मैं पाकिस्तान के हक में हूं। पाकिस्तान की अशद जरूरत है कि इस वक्त हुकूमत तब्दील कर सके। मेरे ख्याल में ऐसी हुकूमत हमें चाहिए जो एक मेजर रिफॉर्म ला सके। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम मेजर फार रीचिंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें पाकिस्तान में, विच मीन्स हेयरबाय एक पॉलिटिकल सिस्टम की री इंजीनियरिंग हम करें। उसके अलावा हम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चेंज करें, उसमें तब्दीलियां लाएं, हम सिविल सर्विसेज को तब्दीली करके रिफॉर्म करें, हम थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट लाएं, यानी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तो हमने बनाई थी, कन्वर्टेड इनटू अ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, नॉट अ लोकल गवर्नमेंट मेयरली, इट शुड बी अ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट लाइक द सेंटर, प्रोविंस, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो दीज आर फार रीचिंग रिफॉर्म्स। उसके बाद हमें प्रोविंसेस का सोचना है। हाँ, पूरी दुनिया में हर मुल्क में, मुल्कों में कई प्रोविंसेस हैं, क्योंकि वो प्रोविंसेस फिर बेहतर एडमिनिस्टर होते हैं, क्योंकि मैनेजेबल होते हैं, और सेंटर फेडरेशन ताकतवर हो जाता है। तो आई एम इन फेवर ऑफ मेनी प्रोविंसेस, बट आई अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटीज ऑफ प्रोविंसेस। उनको मद्देनजर रखते हुए हमें और प्रोविंसेस के बारे में सोचना चाहिए। फिर हमें डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज चाहिए, हमें सेंसस करना है। तो ये सारी चीजें करने के लिए जो मैं ऐसे दोहरा रही है, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए होंगी। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने के लिए या तो कोई टू थर्ड मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट हो, जो मुझे नहीं नजर आ रहा, और वो टू थर्ड मेजॉरिटी गवर्नमेंट भी ऐसी हो जिसका लीडर विजनरी हो, वो भी मुझे नहीं नजर आ। तो लिहाजा एक ही रास्ता है जो मैं हर दफा अपने इंटरव्यू में कहता हूं, हमें इस वक्त एक अबूरी हुकूमत यानी इंटरिम गवर्नमेंट, सिलेक्टेड लोगों की, ऐसे लोग जो ऑनरेबल हों, केपेबल हों, ईमानदार तरीन हों, सबसे पहले पाकिस्तान में बिलीफ रखते हों, उनकी एक हुकूमत बने
और वो एम्पावर्ड हो, एम्पावर्ड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एम्पावरमेंट उनके पास जब होगी, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट करके उन्हें अलाउ करेगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां करे। और एम्पावर फिर होगी जब, जब होगी जब मिलिट्री पूरी बैकअप उनको, पूरी सपोर्ट के साथ उनके पीछे हो। ये एम्पावर्ड गवर्नमेंट, एम्पावर्ड इंटरिम गवर्नमेंट अगर आई तो मुझे पूरा यकीन है वो पाकिस्तान को रिफॉर्म करे, उनको टाइम मिले रिफॉर्मेशन का। ये यही वाहिद एक रास्ता है आगे जाने का। और इसमें जो लोग समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जिसको बिल्कुल ना हाथ लगाया जाए, उनसे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रिटन बाय ह्यूमन बीइंग्स, इट इज नॉट सो सैक्रोसैंक्ट कुरान शरीफ नहीं है कि वो तब्दील नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिखी है, इंसानों की लिखी हुई है, उसमें तब्दीली अगर जरूरत है तो बिल्कुल उसमें तब्दीली आनी चाहिए। इफ द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन द स्टेट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, के स्टेट को बचाते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना पड़ेगा, उसमें अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। और अगर तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाते हो तो स्टेट नीचे जा रहा है, ये टॉलरेट नहीं कर सकते हम, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो लिहाजा रास्ता इंटरिम गवर्नमेंट, एम्पावर्ड इंटरिम गवर्नमेंट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिंग अबाउट फार रीचिंग रिफॉर्म फॉर दिस कंट्री, यही रास्ता है आगे जाने का, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। नाउ इसको कैसे किया जाए, आपने देखा ही है कि धरने देखे हैं आपने, ताहिर कादरी साहब, इमरान खान, पब्लिक आ गई है, बात पब्लिक आई है। और पब्लिक ने एक चीज क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। क्या डेमोन्स्ट्रेट किया उन्होंने, दे वॉन्ट चेंज, तब्दीली चाहिए उन्हें, नया पाकिस्तान चाहिए उन्हें। एंड व्हेन आई से पब्लिक, मुझे पूरा यकीन है, मैं ये टेलीविजन पे और सब कुछ देखते रहा हूं, आप भी फॉलो कर रहे होंगे, मैसिवली द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज बिहाइंड चेंज एंड दे हैव रिजेक्टेड दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट, देयरफॉर अ चेंज इज इन ऑर्डर। लेकिन बदकिस्मती कि जो चेक्स एंड बैलेंसेस एक जमाने में थे हमारे पास इस मुल्क में, यानी 58(2)(b) एक होता था जिससे असेंबलीज कुड बी डिसॉल्व, और उस चेक के ऊपर एक चेक और हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बना दिया था, ताकि इंस्टीट्यूशनल तरीके से कोई अगर तब्दीली होनी है वो एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से हो। ये दोनों खत्म कर दिए गए हैं, देर इज नो 58(2)(b), देर इज नो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। टू मेक द सिचुएशन इवन वर्स, 18th अमेंडमेंट के जरिए डिक्टेटोरियल पावर्स गिवन, इन अदर वर्ड्स कोई पार्लियामेंटेरियन पार्टी लाइन से अगर डिफर करता है तो ही कैन बी अनसीटेड। सो देयरफॉर हाउ कैन दिस सिस्टम दैट इज एग्जिस्टिंग नाउ, ये कैसे तब्दीली लाएगी, वो लाना भी नहीं चाहते हैं और ला सकते भी नहीं है। सो देयरफॉर आंसर अगेन, एन एम्पावर्ड इंटरिम गवर्नमेंट, इसको लाने के लिए मेरी नजर में दो इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के, द सुप्रीम कोर्ट एंड द मिलिट्री, they must understand that they have a role to play. I am sure they do understand. I hope they do understand that before it is too late, इससे पहले कि पानी बिल्कुल ही सर से गुजर जाए और हमारे लिए कोई और रास्ता रहे ही ना, हमें ये तब्दीली इंटरिम गवर्नमेंट की लानी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान बैरूनी खतरे से भी सामना है, बैरूनी खतरे का भी सामना है पाकिस्तान को, यानी हिंदुस्तान में
एक बहुत एग्रेसिव गवर्नमेंट आ गई है, मोदी साहब की गवर्नमेंट, जो रोजाना एग्रेसिव स्टांस ले रही है पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, और उसके अलावा हमारे वेस्टर्न बॉर्डर को एक्टिवेट करके हमारी फौज को टाई डाउन करने की कोशिश हो रही है। ना ये हमारे बैरूनी खतरे और अंदरूनी खतरा, अंदरूनी मिसमैनेजमेंट, इस सबसे हम निपट सकते हैं। हम कोई कमजोर मुल्क नहीं है, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्री ऑफ 180 मिलियन पीपल, 18 करोड़ आवाम, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। पाकिस्तान जब तक जिंदा है, पाकिस्तान आने की भी है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और हम एक यूनिटी जिंदाबाद है, थैंक यू। हमें अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि हम एक पावरफुल मुल्क हैं और कोई बैरूनी ताकत, इस कॉन्फिडेंस के साथ हमें अपने अंदरूनी हालात को सुधारना चाहिए। और अगर हम अंदरूनी हालात को सुधार दें और कुछ स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएं, कोई एक्सटर्नल थ्रेट हमें इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं होगी। तो यह है पाकिस्तान का फ्यूचर। मुझे उम्मीद है कि दोज पावर ब्रोकर्स हु हैज द पावर एट दिस मोमेंट to bring about change in Pakistan, they realize their role and they execute whatever is required from Pakistan. Yehi main samajhta hu Pakistan ka aage jane ka raasta hai. Jahan tak aap logo ka taluk hai, Pakistanis abroad, main jaanta hu, mujhe ehsaas hai ki जो पाकिस्तान में रहते हैं उन लोगों से ज्यादा पेट्रियोटिक हो, क्योंकि आप दूर बैठे हैं, आपने आपको अपने रूट्स, अपने रूट्स की फिक्र है आपको, हमसे ज्यादा फिक्र है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम में होना चाहिए, आप लोगों को वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए। मैं तो इस पर भी जाना चाहता हूं कि आप लोगों में अगर कोई for Pakistan the change and your role as overseas Pakistanis, ye main samajhta hu, this is what I feel we need to do. Now ye maine bas yahi maine ye baatein karni thi aapse, maine bade khul ke baatein ki hain. Inshallah taala soon I am very hopeful that I will be able to travel around. Once I do that, I am absolutely sure that I will come to Canada. Inshallah, I will come at. Inshallah, I will come at. Right. And inshallah, I will address you in person. And I would like to express my views in front of you. But yehi baatein thi. Ye maine mujhe end mein main yehi kahunga ki jitne bhi ye कनाडा के प्रेजेंट लीडर्स हैं एपीएमएल के, यानी असर मलिक साहब हैं प्रेसिडेंट, और तो असर मलिक साहब को मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी गैदरिंग इधर लाए हैं और मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं।
I also believe there is a lot of media here in front. I would request the media to play its role for Pakistan in a positive mode. मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया के लोग इतने ज्यादा आए हैं और इस इवेंट को कवर कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर द मीडिया. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. ACML जिंदाबाद. सबसे पहले पाकिस्तान हमेशा याद रखे. सबसे पहले पाकिस्तान. इंशाल्लाह साथ रहेंगे. आप लोगों से खिताब किया मैंने, मुझे बड़ा फख्र है. मुझे आप सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. इंशाल्लाह अगली दफा टोरंटो में आएंगे, उधर मैं आपके सामने खड़े होकर बात करूंगा इंशाल्लाह. Mazid Khawateen Hazrat, please give a standing ovation to former President of Pakistan, Parvez Musharraf. Janab-e Sadr, bahut bahut shukriya. Aapke khayalat main samajhta hoon zarur hamare jo is waqt mehman aaye hain, they are very much thrilled to hear the inspiring speech you have given and the vision and what you think of Pakistan. Allah Ta'ala aapko zindagi de. Bahut bahut shukriya Janab Sadr. Thank you. Thank you. Thank you very much. And I wish you all very well. Thank especially you. The APML leaders of Canada. Thank and you. I hope that you draw people towards APML, that whenever we get a chance, we fight elections and we do something, we create another political force for Pakistan for the future. Instead, we have to create a third political force, and that can only be created with your support. Sabki support hogi, to ek teesra political force banayenge. Teesra political force which can defeat those who have been tested and tried and failed. Therefore, I am proud of your support. Thank you very much again. Thank you. Thank you, sir. Aapka bahut bahut shukriya. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Go Nawaz, go! Go Nawaz, go! Go Muhammad, go! Go Nawaz, 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 go! Ahmed Musharraf, zindabad! Ahmed Musharraf, zindabad! Ahmed Musharraf, zindabad! Pakistan! Thank you. को सुनने के बाद आई थिंक ये मुनासिब होगा कि आज हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं डॉक्टर रजा बुखारी साहब, प्रोफेशनली ट्रेन्ड एज अ डॉक्टर, देन टर्निंग इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप, एक कामयाब बिजनेसमैन और फिलाडेल्फिया बिजनेस जर्नल में 40 अंडर 40 one of the successful story. Ladies and gentlemen, I can talk about him for long time, but because of the time frame, please join me in welcoming one of the most outstanding leader, I will say, for the All Pakistan Muslim League, supporter and a friend of our General Sahab. This kuch log hain jo pase manzar reh ke kaam karte hain. He is one of them. Please welcome Dr. Raza Bukhari. Thank you, Bashir Khan Saab. That is such a kind and a generous introduction. I think I have a very unenviable task to follow after such an inspiring speech of our leader, our guide, our benefactor, General Pervez Musharraf. So please give him another big round of applause from this upwardly mobile community of Toronto. Pakistan expats around the world have great love and affection for General Musharraf.
But I think that love and affection and fondness gets tripled and quadrupled and maybe gets exponentially elevated when it comes to the people of Toronto, people of Canada, and I think a little bit of us from across the lake, from United States, also love him and welcome him, and we know that how much proud we get and how much proud we feel as a Pakistani expert living in this Western Hemisphere. Hum sab logon ko Pakistan ki mera khayal hai main aapki jazbaat ki akasi karunga jab main ye kahun ki hum Pakistan ko avval rakhte hain aur apne dil ke saath rakhte hain. Uski ek wajah ye zarur hai ki hamare abhi bhi aziz o aqarib, hamare walidain aur hamari jo roots hain wo abhi bhi Pakistan se munsalik hain. हमारे दोस्त अहबाब अभी भी वही हैं, हमारे एक्सटेंडेड रिश्तेदार और बरादरी भी वही हैं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है. आई होप कि यू ऑल एग्री विद मी एंड यू विल रेजोनेट विद मी दैट इन दिस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन दिस लैंड ऑफ इमिग्रेंट दैट वी लिव इन, दिस नॉर्थ अमेरिका विच दैट वी लिव इन, वी ऑल आर आइडेंटिफाइड विद आवर रूट्स. वी आर ईदर Indian Canadians or Pakistani Canadians or Italian Canadians or Irish Canadians, we all have come from somewhere. So when, in the words of General Musharraf, if there is no Pakistan, we would all become international orphans. So it is in our own self interest that we see Pakistan does well. If it is not doing well, it becomes our own personal obligation. It is in our own self-interest. It is in our interest of our children and our grandchildren and our generations to come that we make our contribution. We contribute towards a better, a stronger, and a stable Pakistan. A Pakistan in which we can take pride in, and a Pakistan for which we should not feel embarrassed or feel disillusioned or disconcerted. It's unfortunate, Dr. Amjad, हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं जो पाकिस्तान से ख़ास तौर पे इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आए हैं. उन्होंने हवाला दिया 16 दिसंबर के वाक़े का, एक ऐसा हौलनाक वाक़ा जिसकी के दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती, वो पाकिस्तान में हुआ. और डॉक्टर अमजद ने ये बिल्कुल मुनासिब से कहा कि हम सबके दिल जो हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे जो है खून के आंसू रोए, और हम यहाँ पे कम्युनिटीज अपने छोटे छोटे टोलों में ज़रूर जो है सड़कों पे निकली, हमने यहाँ कैंडल लाइट विजल किए, और हमें जो गम और जो गुस्सा है उसकी हम पूरी तरह शायद तर्जमानी नहीं कर सके, और हमें और करना चाहिए. लेकिन आपने बिल्कुल बड़ी मुनासिब ये कहा कि फ्रांस में ये दहशतगर्दी का वाका हुआ, पूरा जो है यूरोप इकट्ठा हो गया, 44 मुल्कों के सदूर जो हैं वहां पे जमा हुए, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो है को इतनी जो है वो जिद्दोजहद से को आवाज बुलंद नहीं हुई. इसमें मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इसमें कोई पाकिस्तान का कसूर नहीं है या पाकिस्तानियों का कसूर नहीं है. ये जो है हमारी जो वहां पे जो लीडरशिप है, जो वहां पे जो क़यादत का फुकदान है, ये उसका कसूर है. क्योंकि आपको याद होगा डॉक्टर साहब कि 2005 में जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था जिससे कि 73,000 लाइव्स वर पेरिश्ड एंड आई थिंक मोर देन 2.1 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड, तो पाकिस्तान में पहले ही हफ्ते के अंदर अंदर 64 मुल्कों की डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें शायद जो है मेरे कुछ नंबर ठीक नहीं हैं क्योंकि सदर साहब की जो है जनरल मुशर्रफ की जो है एक
बहुत सारी खूबियां हैं, उनकी जो सबसे बड़ी खूबी है उनको जो है तमाम नंबर और जो हिस्से और सब चीजें याद रहती हैं, लेकिन 6.4 या 5.4 बिलियन डॉलर्स की कमिटमेंट मिली और बड़े बड़े डेलीगेशंस वहां, और हर गवर्नमेंट ने जो है अपने सीनियर डेलीगेशंस भेजे, हेड्स ऑफ स्टेट्स आए। मैं उस वक्त खुद जो है, हमें यह मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट्स से उस वक्त के अमेरिका के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कैरन ह्यूज जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक डिप्लोमेसी थी उनके जेर सदारत फॉर्चून 100 कंपनीज के सीईओस का एक डेलीगेशन स्पेशली जो है पाकिस्तान भेजा के जो है पाकिस्तान की जो अवाम पे जो तकलीफ टूटी है, जो ये आफत गिरी है, उसको पाकिस्तान का हाथ थामा जा सके, पाकिस्तान को हौसला दिया जा सके। ये तमाम चीजें इसलिए हुई कि उस वक्त की क़यादत को जो है इज्जत की निगाह से देखा जाता था, उस वक्त की क़यादत को जो है लोग अपनायत से जो है महसूस करते थे, और लोगों को, दुनिया को यह एहसास था कि हम जो भी पाकिस्तान को अगर कंट्रीब्यूशन देंगे, कोई डोनेशन देंगे, ये मिसयूज नहीं होगी, ये अपनी जो है वो जेबों में भर के जो है लोग नहीं चले जाएंगे। और हमने खुद जो है, मैं तो इस चीज का खुद जो हूँ आईनी शायद हूँ कि हमने जो जाके जो ये जितने अर्थक्वेक के जो पसमानदा इलाकों में हमने जाके जगह जगह देखा और एक आफत सा समा था, लेकिन वहाँ पे रिहेबिलिटेशन हुई और रेस्टिट्यूशन हुई और फिर से आई थिंक तमाम लोग अपनी अपनी जगह वापस गए, लेकिन वो एक कुदरती कयामत थी। लेकिन जो 16 दिसंबर को हुआ, हमारी ये यही अब ख्वाहिश है, क्योंकि हमारे जो सियासी लीडर तो जो है नाकाम हो चुके हैं, तो इस वक्त हमारी जो अफवाजे पाकिस्तान है उसी की लीडरशिप ने जो है आगे हाथ बढ़ाया है, और हमारी ये ख्वाहिश है और आई होप कि हम सब लोग इस आवाज में यकजा हैं जब हम कहते हैं कि इन द एंड पाकिस्तान मिलिट्री इज द लास्ट कस्टोडियन ऑफ सेल्वेशन ऑफ पाकिस्तान, एंड आई थिंक देयर इज ए बिग बर्डन ऑन द पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप टू डिलीवर, बट आई थिंक वी शुड ऑल हैव फेथ, वी शुड गिव देम ट्रस्ट, एंड वी शुड स्ट्रेंथन देम टू डू व्हाटएवर दे कैन डू सो दैट पाकिस्तान कैन डू वेल एंड वी कैन डू वेल। We also have to join hands and have to ensure that we can bring about, जैसे जनरल साहब ने कहा कि वहां पे फिर से election हो जाना solution नहीं है, क्योंकि हमारा जो structurally there is a problem in our system, we keep on producing, अगर आज पाकिस्तान में election होंगे तो वही जो हैं जो जो लीडरान हैं वो फिर से इलेक्ट होके वापस आ जाएंगे, और ये सीसॉ चलता रहेगा, फिर कोई फौजी मुदाखलत होगी जिसको हम तमाम जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं वो कोई जो है फौजी मुदाखलत एक टेम्पररी एक ट्रांजिएंट फेज है। लीडरशिप तो सिर्फ सियासतदानों ने ही देनी है जिनका काम है, फौज का काम तो हमें मुस्तहकम करना है और हमें स्ट्रांग बनाना है, तो इसलिए हमें सब लोगों को इकट्ठे मिलके साथ लेना है। और द रिलायंस रियली इज, बशीर साहब ने कहा मुझे को 40 अंडर 40 का को भी आजाद मिला था, लेकिन अब को थोड़ी सी उम्र बढ़ती जा रही है, आई विश आई वाज स्टिल 40 अंडर 40, बट इट इज रियली दैट वी हैव टू रिलाय ऑन आवर यूथ एंड आवर नेक्स्ट जनरेशन टू रियली टेक द लीड। हमारे दरमियान जो है यूथ विंग के प्रेजिडेंट हैं शराज साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल जो हैं एपीएमएल कैनर के, इनकी जो जो स्पिरिट है ये कंटीजियस है, यू नो मैं इनको आता हूँ जब भी टोरंटो और मैं शराज को और उसको देखता हूँ, मैं कहता हूँ मैं भी जरा जो है और ज्यादा बढ़ बढ़ के आगे काम करूँ। तो मलिक असर साहब, आपने एक बड़ी अच्छी टीम यहाँ पे जो है कायम की है, और हम सबको बड़ी खुशी है कि डॉक्टर अमजद ने जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने आपको अपना ताउन दिया है और इस तमाम टीम को अपनी ब्लेसिंग दी है। और हमारे दरमियान जो है पैट के जो है कनाडा के जो सदर भी जो मौजूद हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे साथ जो जुड़े, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा कि जो इलामा ताहिरुल कादरी ने का क्रेडिट है
और इमरान खान साहब का भी यू नो को ये क्रेडिट है कि उन्होंने पाकिस्तान में अवेयरनेस क्रिएट की है, जिससे ये एक ओवरवेलमिंग मैंडेट जो है इस वक्त जो है यू नो जो उजागर हुआ है कि पाकिस्तान की अवाम ने प्रेजेंट हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया है। इस वक्त जो है ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरह हम यहाँ इकट्ठे मिल बैठे हैं, इसी तरह ही पाकिस्तान में भी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम इकट्ठे मिल बैठे हैं। बड़ी खुशी हुई है और तकवीयत हासिल हुई है, जो हमें डॉक्टर अमजद ने बताया है कि यूनाइटेड मुस्लिम लीग बन रही है, उसकी तश्कील हो रही है। हमें सबको दुआ गो होना चाहिए और हमें जो है मायूस नहीं होना चाहिए। और इसी अल्फाजों के साथ मैं मलिक असर का, शहराज का, शहजाद शाह साहब का, जीशान का और आपके तमाम जो है साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मलिक असर साहब ने को बहुत अच्छा जो है कोई खाने का भी इंतजाम किया हुआ है। सो ही ऑलवेज हैज पुट्स अप अ बिग स्प्रेड, सो आई डोंट वांट टू गेट इन द वे ऑफ ए गुड फूड बिकॉज आई मायसेल्फ हैव यू नो बिल्ट अप क्वाइट अ बिट ऑफ एन एपेटाइट हियर। बट हम जो है कोई अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं, कोई डॉक्टर अमजद इतनी दूर से आए हैं, हम उसको जो है आपके जो सवालों और जवाबों के लिए हाजिर हैं। तो मैं इसी के कंक्लूजन के साथ बाकी जो है माइक अपने बशीर खान साहब के हवाले करता हूं। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे अपने दरमियान बुलाया, मुझे मधु किया। मैंने जो अपनी ज़िंदगी का आगाज अमेरिका में 25 साल पहले जो शुरू किया था, मैंने ये पहले भी दोहराया है, फिर दोहराता जाऊं कि वो टोरंटो कनाडा से शुरू किया था। तो मुझे जब भी टोरंटो बुलाया जाता है तो मैं बड़ी खुशी से आता हूं, क्योंकि मेरी जो है लाइफ इन दिस नॉर्थ अमेरिका स्टार्टेड फ्रॉम दिस ग्रेट सिटी ऑफ कनाडा। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर हैविंग मी, सच अ प्लेजर। Thank you very much. That was Dr. Reza Bukhari, former Torontonian and a great citizen of both countries, the United States and Canada. Aaj ye khushi hui mujhe ki kuch hame ummeed janab sadan ne di hai ki we have a right to vote and participate in the affairs of Pakistan. Ye bahut badi kamyabi hai hamare Pakistani Canadians ki, inshallah, and I hope that it will happen. बात हो रही थी यूथ की, रजा साहब ने भी कहा, डॉक्टर रजा बुखारी साहब ने भी और डॉक्टर अमजद चौधरी साहब ने भी फरमाया कि पाकिस्तान की जो यूथ है दैट इज आवर वेल्थ। एंड वन ऑफ द रीसेंट आर्टिकल इन द इंटरनेशनल मैगजीन सेड दैट पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बड़ा ताबनाक है। पाकिस्तान हैज अ ग्रेट फ्यूचर। Do you know, ladies and gentlemen, 67% of the population, according to that published article, is under age of 25. ये हैं हमारे एसेट जो पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे। तो चूंकि बात हो रही है नौजवानों की, उसी तरह से आज के इस फंक्शन में भी बहुत से हमारे यूथ जो इस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मैं दावत दूंगा आर्यन हुसैन को कि वो यहाँ आए। ये वो नौजवान लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात पेश करना चाहते हैं। दो मिनट आर्यन हुसैन आइए। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। जैसे सबने कहा कि यूथ इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यूथ टोरंटो के अंदर है उसने सबसे पहला स्टेप ले लिया है सक्सेस की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, टू ब्रांड पाकिस्तान फर्स्ट। And the team is right on my right hand side by the door. अगर आप उस तरफ देखें तो माशाल्लाह से ये हमारी यूथ है, ये हमारा पाकिस्तान है। And this is what's bringing Pakistan to us. And that's what we need. क्योंकि मैं हमेशा ये कहूँगा कि 1947 से लाखों लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं हमारी। पिछले 10 साल में ओवर 60,000 लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दे दी हमारे। अब यही लोग हैं जिन्होंने उस कुर्बानियों का रंग लेके आना है हमारी यूथ पाकिस्तान में, हमारी यूथ ओवरसीज में। जब ये सामने आएगी इंशाल्लाह तो वो जो कुर्बानियां हैं वो रंग लाएंगी और आपको एक नया पाकिस्तान नजर आएगा। क्योंकि इस यूथ के लिए जिस एक ही चीज है और वो है कि सबसे पहले पाकिस्तान। हमारे लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान है।
और हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं और हमसे ही हमारा पाकिस्तान है। और अब ये जो रिश्ता जुड़ चुका है और ये प्लेटफॉर्म जो हमें मिल चुका है अपने वतन को आगे लेके जाने के लिए थ्रू द फेसेस ऑफ यूथ, कैनेडा में हो, यूएस में हो, ओवरसीज हो, यूरोप हो, एनीवेयर से थ्रू दिस प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह बहुत सपोर्ट है और ये यूथ ही है जो अब पाकिस्तान को आगे लेके चलेगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने लोगों का, अपने मेंबर्स को, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यूथ को इन्वाइट करें, आप आगे आए, पाकिस्तान का हिस्सा बने, बिकॉज यू आर पाकिस्तान एंड वी आर द ब्रांड पाकिस्तान। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए जी, क्वेश्चन आंसर का सेशन अभी आ रहा है, सर आप जो सीनियर्स ने ही इतनी सपोर्ट दी है तो यूथ आगे आई है और मैं यूथ बहुत सारे माशाल्लाह से हमारे सीनियर्स हैं सर, आई अप्रिशिएट द सीनियर्स राइट हियर। ही इज अ सीनियर, बहुत एक्सपीरियंस्ड फॉर अस, मैं सीनियर नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे वापस इनके साथ ही जाना है डिनर, बहुत एक्सपीरियंस्ड फॉर अस, मैं सीनियर नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे वापस इनके साथ ही जाना है डिनर पे, जिन्होंने हमें सहारा दिया है, हमारा हाथ पकड़े और आगे लेके आए। विदाउट सीनियर्स यूथ इज नथिंग, योर एक्सपीरियंस इट फॉर स्टैंड, हाथ पकड़े और आगे लेके आए। विदाउट सीनियर्स यूथ इज नथिंग, योर एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। आरिया हुसैन अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। आई सल्यूट ऑल द यूथ ऑफ पाकिस्तान, कीप अप द गुड वर्क। अभी हमने कुछ मिनट मीडिया के लिए सवाल जवाब का सेशन है, सो प्लीज वन बाय वन इन अ वेल कोऑर्डिनेटेड